नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ही देखा, कम बजट पर एक मट्ठर ब्रीड बर्बरी कैसे बन जाती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हम कम बजट पर अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं तो कौन सी ब्रीड के साथ जाना चाहिए, अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है। तो जो बर्बरी ब्रीड है ये इसी पैमाने में खरी उतरती है, तो आज हम जानेंगे इन सारी बातों को। अभी मैं हूँ श्रेया एग्रो फार्म पर जो कि नागौर सतना में है, और फार्म ओनर से मिलेंगे और बर्बरी बकरी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि इसकी मिल्किंग कैपेसिटी क्या होती है, ख़ास पहचान क्या होती है, ओरिजिनल बर्बरी की क्या पहचान होती है और उसके पालन करने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और चलिए चलते हैं, मिलते हैं फार्म ओनर। तो सर स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना फार्म कहाँ पर है इसके बारे में बताइए। जी मेरा नाम संतोष यादव है जी। ये अपना फार्म ये नगौद में है, नगौद में 12 पत्थर है जी, वहीं पास है, नगौद से लगा हुआ है जी। सर आपने बर्बरी क्यों चुनी और ये दूसरी नस्ल की तुलना पर खास कैसे बन जाती है? जब हम बात करते हैं एक कमर्शियल बकरी पालन की, कमर्शियल गोट फार्मिंग की, तो ये ब्रीड खास क्यों बन जाती है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बर्बरी एक तो बड़े आराम से स्टाल फीड पे रखा जा सकता है जी। यदि आपके पास हरे चारे के ऊपर पत्ता नहीं है, नहीं मिल पा रहा, फिर भी ये दाना और भूसा में रह लेगी जी। दूसरी बात, ये कम खर्च में आसानी से पाली जा सकती है जी। जितने खर्च में दूसरी बड़ी ब्रीड पाली जा सकती हैं, तो एक बकरी अगर बड़ी ब्रीड आप पाल रहे हैं उसमें बर्बरी कम से कम 4 बकरी आराम से पाल लेंगे, जितने में एक बड़ी ब्रीड रहेगी। अच्छा, जितना खर्चा उसका है उसकी जगह में 4 बर्बरी आराम से पल जाएंगी, अब बच्चे भी उनसे ज़्यादा देगी, दूध की क्षमता भी इनकी अच्छी है, आधा लीटर बच्चे पीने के बाद भी आदमी निकाल लेता, आधा लीटर एक आराम से बच जाता है, दो बच्चे, तीन बच्चे देती, उसके बाद भी आपका दूध का भी खर्चा निकाल देती है बकरी। और दूसरा, ये संतुष्ट बकरी है जी। इसका सब में पेट भर लेती है, दूसरी बहुत संतुष्ट है और बहुत जल्दी बीमार नहीं होती, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो हर एक मौसम में आसानी से झेल लेती। अपने यहाँ के इलाके के लिए खास तौर पे बहुत अच्छी है। कटनी, मध्य प्रदेश में जो कटनी, सतना, रीवा, ये इस इलाके के लिए बेल्ट है, जबलपुर बेल्ट है, दमोह सागर, बहुत अच्छी, ये जो एक जैसे क्लाइमेट में बात करते हैं तो ये इसके लिए बेस्ट बन जाती है। सर एक जो बर्बरी ब्रीड है उसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बर्बरी ब्रीड है। उसकी पहचान के बारे में बताइए थोड़ा सा। सफेद में मतलब एक लाल लाल धब्बे टाइप में रहती है, जैसे आप ये देख, जैसे ये बकरी है, ये बर्बरी है, फुल बर्बरी बकरी जी, सफेद में लाल धब्बे, ऐसी बकरी बर्बरी रहती है। कुछ में काले में रहती है, सफेद में काले स्पॉट रहते हैं, जैसे अपनी वो बैठी है जी, वो सामने जो बैठी है सामने, और कुछ प्लेन सफेद भी रहते हैं, प्योर सफेद भी आ जाती हैं कुछ। अच्छा, जैसे ये बैठी सफेद में ये बकरी है, और एक ये बकरी कुछ मतलब ब्राउन में स्पॉट में आ जाती हैं। ये कलर इस प्रकार के कलर में देखने मिलते हैं, जैसे एक ये बकरा आपने पकड़ा हुआ, ये बकरा हाँ, ये अलग कलर में है, थोड़ा सा डार्क में है हाँ, ये बर्बरी का बकरा है जी। और जो इनके सींग होते हैं, सींग काफी बड़े होते हैं इनके पीछे की तरफ बिल्कुल है ना, और जो आंख, ये कान जो होते हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं खड़े, रॉकेट ईयर इसी को बोला जाता है, एकदम खड़े। और सर इनका बॉडी वेट कितना हो जाता है, थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताइए। बॉडी वेट अगर इनको सिर्फ मतलब खिलाई पिलाई अच्छे से की जाए अगर इनकी, तो 30-35 किलो तक चले जाते हैं एक साल में। एक साल में हाँ हाँ। जैसे ये बकरा अभी कितने उम्र का होगा इसके बारे में बताइए। ये बकरा करीबन 1.5 साल का बकरा है। 1.5 साल का बकरा, 1.5 साल का हाँ जी। लेकिन ये ब्रीडर ब्रीड में यूज हो रहा है इसलिए इनकी खिलाई लिमिटेड है हाँ। इनको ज्यादा यूज दाना नहीं खिलाते। अच्छा हाँ। काफी एग्रेसिव भी लग रहा है हाँ। कितनी बारिश से आपने अभी ब्रीडिंग ली है? इसका प्योर बच्चा देखना हो तो प्योर वो रख खड़ा है, एकदम सेम इसका 2 कॉपी है इस तरफ जो वो खड़ा है। अच्छा, वहाँ से इसको यदि खड़ा करेंगे जी तो पता ना चलेगा ये खड़ा है कि वो खड़ा, सेम है इसका। अच्छा, 2 कॉपी 2 कॉपी है उसकी। और बकरी की क्या ग्रोथ होती है सर, क्या वेट देखने मिलता है बकरी का? बकरी की ग्रोथ है, बकरी भी आराम से एक साल में 20 किलो के आसपास चली जाती है। 20 किलो की? हाँ हाँ, अच्छी खिलाई पिलाई रहे तो 15-20 किलो बन जाती है आराम से बकरी। और
हम बात करते हैं कि परिपक्वता की, तो कितने दिनों में ये बकरी परिपक्व हो जाती है? मैच्योर के लिए ये 6 महीने में आ जाती है, लेकिन अपने को 6 महीने में यूज नहीं करते अपन, 10 से 11 महीने के बाद ही उसका मतलब ब्रीडिंग कराते हैं उससे। वो तो 6 महीने में जाएगी वो। अच्छा। हाँ, 6 महीने में ब्रीडिंग में आ जाती है। हाँ, ऐसा ये मानना भी है, ये सत्य भी है कि जो मध्यम आकार की बकरियाँ या मीडियम आकार की या छोटे आकार की बकरियाँ जो होती हैं 6 महीने में कम समय में परिपक्व हो जाती है। हाँ, 6 महीने में परिपक्व हो जाती है, लेकिन नहीं कराना चाहिए, 10 महीने के बाद ही, 10 महीने के बाद ही क्रॉसिंग लेनी चाहिए। दूध कितना मिल जाता है इससे, अपन की बात करते हैं? दूध अगर हम इससे लें तो हम जैसे 2 बच्चे 3 बच्चे देती है, इससे कम तो देती नहीं। आपकी सारी बकरियां 2 बच्चे दी? दो ही बच्चे दी हैं, जो पहली बार भी ब्याई हैं वो 1 बच्चे दी हैं। हाँ, दूसरी बार से सारी बकरियां 2 दी हैं, 3 भी दी है, ये 3 दी है ये बैठी। अच्छा, ये जो बैठी है ये इसके 3 बच्चे हैं जी। हाँ सर, मैं फिर इसकी मार्केट की रेट के बारे में बात करूँगा कि मार्केट का रेट क्या रहता है और किस हिसाब से आदमी को एक बजट बैठाना चाहिए कि यार अगर हम बर्बरी के साथ काम कर रहे हैं तो इतने में हमारी 10 बकरियां आ जाएंगी, 15 बकरियां आ जाएंगी, क्या मार्केट प्राइस रहता है? मार्केट में देखिए ऐसा है कि बर्बरी का बहुत सारे रेट हैं, 450 रुपये से 500 रुपये किलो तक जाती है। फिर क्वालिटी के हिसाब से बकरी का रेट रहता है, जो जैसी बकरी है वैसा उसका रेट है, मतलब रेट क्वालिटी के ऊपर निर्भर, क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है जी। तो सर मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, कॉमर्शियल पर्पज़ से अगर कोई काम करना चाहता है तो कितनी बकरियों के साथ उसे शुरू करना चाहिए, बर्बरी लेना चाहिए? अगर उसे बर्बरी लेकर कर रहा है तो कितनी बकरियों के साथ जाना चाहिए? अगर वो शुरुआत कर रहा है और उसको जानकारी कुछ भी नहीं है, अगर फ्रेशर है एकदम, तो 10 बकरी से चालू करे जी, 10 से ऊपर ना बढ़े। बिल्कुल। यदि वो जानता है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि उसने कभी बकरी पाली है कि वो पहले किया है कि कुछ भी जानता है तो कितने भी कर सकता है वो। लेकिन अगर स्टार्ट कर रहा है तो 10 से ही करे, धोख मतलब नुकसान भी होगा तो सह सकेगा आदमी। 10 बकरी भी अगर लेगा तो ब्रीडर भी 1-1.5 लाख से कम में आएगा नहीं भाई। 10 बकरी अच्छी बर्बरी की है, 1-2 ब्रीडर रखेगा तो 1-1.5 लाख रुपया लग जाता है, तो कम से कम ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कम से कम नुकसान होगा, कम से कम नुकसान होगा। परंतु ये है कि अगर हम स्टॉल फीडिंग के उद्देश्य से कर रहे हैं तो बर्बरी ही करें बेस्ट है, स्टॉल फीड और वैसे भी अगर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं सीख भी रहे हैं तो बर्बरी ही से सीख लें। अच्छा। हाँ, ज़्यादा ऊंची ब्रीड से ना सीखें। हाँ, नहीं तो बहुत दिक्कत जाती संभालने में। हाँ, ये तो आपने देखा। हाँ, है इसको बच्चे भी संभाल लेंगे, उनके बकरे भी बड़े रहते हैं, ब्रीड बड़ी रहती है, बकरी बड़ी रहती है, अब बीमार हुई तो महंगी भी रहती है, और फिर वो नहीं संभालती, अपने मौसम में नहीं ढल पाती, नहीं ढल पाती, ये इसी मौसम की बकरी है, यूपी की बकरी है, समस्या ज़्यादा है नहीं? नहीं नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी बकरी, बहुत अच्छी बकरी, शांत बकरी भी है, शांत बकरी है, नेचर उसका बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। और कम बजट में अगर कोई भी काम शुरू करना चाहता है तो बिल्कुल ये बर्बरी के साथ जा सकता है। और कहा भी जाता है बर्बरी के साथ कि ये बाड़ा भरने वाली बकरी है, जैसा आप देख सकते हैं पिछले 1 सालों में ही इन बकरियों ने 2-2 बार बच्चे दिए हैं। हाँ, 2-2। 10 बकरियों से कहाँ आज इनके पास 50 बकरियां हो गई हैं, तो जब इन्होंने शुरू किया था तब 10 थी, आज हैं 50 बकरियां, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी जल्दी ये बकरी ग्रोथ करती है और इसकी जो प्रोडक्शन रेट है या कहा जाए तो किडिंग रेट है वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद ज़रूर आया होगा, अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।